हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विमो फैशन में स्वागत है। आज मैं 38 इंच का ब्लाउज़ का स्टिचिंग कैसे करने का मैं बताने वाली हूँ। इसका कटिंग भी मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। और इसका बैक पार्ट को भी मैंने छोटा सा डिज़ाइन बना के मैंने अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने योग पट्टी को मैंने सिलाई कर रही हूँ। इसको आमने सामने इस तरह रख के आप सिलाई कर सकते हैं, इसको ब्लाउज़ का बेल्ट भी बोल सकते हैं। चारों साइड स्टिचिंग करके लीजिएगा दोनों पार्ट को भी। स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा आता है उसको कटिंग करके लीजिएगा। दोनों साइड का भी एक्स्ट्रा जो पार्ट आता है कपड़े का उसको कट किया है मैंने। अभी फ्रंट पार्ट को कैसे स्टिचिंग करने का मैं बताने वाली हूँ। स्टिचिंग कटिंग करने के टाइम इस तरह मैंने मार्क लगाया था टक्स के लिए, उसको दोनों तरफ ही हम लोग इस तरह मार्क लगाएंगे टक्स का, क्योंकि सिलाई करने में बहुत इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने मार्क लगाया हुआ है। इसको मेन फैब्रिक में रख के इस तरह दोनों को भी आमने सामने रख लेने का, रख के चारों साइड स्टिचिंग कीजिएगा। एक्स्ट्रा जो कपड़ा आता है उसको कट कर लीजिएगा। दोनों सेट का मैंने पार्ट को कटिंग किया हुआ है एक्स्ट्रा कपड़े को स्टिचिंग। आप टक्स लगाने के टाइम इस तरह का मेथड यूज़ कीजिएगा, जो लाइन अस्तर वाला जो आप ब्लाउज स्टिचिंग करने के टाइम इस तरह का मेथड यूज़ किया तो बहुत अच्छे से आता है फिटिंग। आप बिगिनर्स रहेगा तो ये मेथड आपको यूज़फुल रहेगा। आप लाइन लगाने के बाद इस तरह टक्स दीजिएगा। चारों साइड भी आप इसी तरह आप सिलाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी किया हुआ है, सेम इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट को भी मैंने रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं बेल्ट को इस तरह आमने सामने रख के इस तरह अटैच कीजिएगा। बेल्ट को अटैच करने के टाइम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट को या ब्लाउज़ का बेल्ट को खींचने का नहीं, फ्री हैंड से आप स्टिचिंग करने का है। दोनों पार्ट को भी रेडी किया हुआ है। जो ब्लाउज़ का जो बेल्ट आता है उसका एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने का है। अभी सिंगल पट्टी कैसे करने का मैं बता रही हूँ। 1.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया हुआ है, उसको एक तरफ मैंने फोल्डिंग करके स्टिचिंग किया हुआ है, उसको इस तरह ऊपर की साइड रख के एक सिलाई करने का है। आप देख सकते हैं फिर वापस पट्टी को इस तरह फोल्डिंग करके और एक सिलाई कीजिएगा। सिंगल पट्टी मैंने स्टिचिंग करके रेडी किया हुआ है इस तरह। अभी डबल पट्टी को सिलाई करेंगे। डबल पट्टी को सिलाई करने से पहले हम लोग 2.5 इंच का पट्टी लेने का है, उसको अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों को भी एक साथ लेने का है डबल। उसको इस तरह वन साइड मैंने फोल्डिंग करके स्टिचिंग किया हुआ है। पट्टी को इस तरह ऊपर की साइड रख के इस तरह सिलाई कीजिएगा, फिर अंदर की साइड इस तरह फोल्डिंग करके 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कीजिएगा। ये हाई लगाने का पट्टी है। दोनों को भी सिंगल पट्टी और डबल पट्टी की इस तरह आमने सामने रख के सिलाई बराबर है क्या आप
चेक कीजिएगा, एक्स्ट्रा जो कपड़ा आता है उसको कटिंग कीजिएगा। मैंने फ्रंट पार्ट का, अभी गले का पट्टी कैसे करने का मैं बताने वाली हूँ। इस तरह मैंने डबल फोल्डिंग में अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, उसको इस तरह मैंने गले का पट्टी को मार्क लगाया हुआ है, इसको एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को रेडी करने का है। इस तरह मैंने फ्रंट का दोनों पार्ट को भी मैंने एक साथ ही में कटिंग कर रही हूँ गले का पट्टी को। उसको इस तरह मार्किंग लगाते हुए वन साइड को बाहर की तरफ, वन साइड को अंदर की तरफ फोल्डिंग करके सिलाई कीजिएगा। दोनों पट्टी को भी मैंने सिलाई किया हुआ है। इस अभी फ्रंट पार्ट को गले का पट्टी को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह दोनों पार्ट को भी आमने सामने इस तरह रख के हम लोग सिलाई करेंगे। दोनों को भी मैंने दोनों पार्ट को भी इस तरह स्टिचिंग किया हुआ है। आप चाहिए तो पट्टी को फोल्डिंग करके स्टिचिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो तुरपाई की भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी स्लीव्स का कटिंग स्टिचिंग करेंगे। मैंने वन साइड मैंने ऑलरेडी स्टिचिंग किया हुआ था, अभी दूसरे से स्टिचिंग किया है। इस तरह जॉइंट कीजिएगा, एक्स्ट्रा जो कपड़ा आता है उसको कट कीजिएगा। इस तरह मैंने दोनों स्लीव को भी मैंने स्टिचिंग करके लिया हुआ है, उसको मैंने एक लेस भी अटैच किया हुआ है। ब्लाउज़ को कैसे अटैच करने का मैं बताने वाली हूँ। इस तरह फोल्डिंग कीजिएगा, अंदर की साइड वन इंच डाउन है उसको फ्रंट पार्ट के तरफ जोड़ते हुए स्टिचिंग कीजिएगा। इस तरह मेजरमेंट लगा के आप स्टिचिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो पार्ट एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचता है उसको लास्ट में कटिंग कर सकते हैं। स्लीव्स लगाने के टाइम कौन सा भी, या ब्लाउज़ का कपड़ा हो या स्लीव्स का कपड़ा हो, दोनों को भी खींचने का नहीं, ऐसे आप स्टिचिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के टाइम ब्लाउज़ को स्लीव्स ऐड करने के टाइम दो दो सिलाई कीजिएगा, दूसरी तरफ भी सेम इस तरह स्टिचिंग करना है। आप चाहिए तो सेफ्टी पिन का, मतलब अटैच पिन का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह स्टिचिंग कर सकते हैं पिन लगाते हुए। दोनों स्लीव को भी दो दो सिलाई किया है मैंने। फ्रेंड्स प्रेस बटन का मैंने पट्टी लगाने का भूल गई थी, अभी मैं अभी लगा रही हूँ। आप स्लीव्स ऐड करने के टाइम भी लगा सकते हैं, शोल्डर की तरफ लगाने का रहता है। दो दो इंच का पट्टी इस तरह ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेंटर में इस तरह फोल्डिंग करके बैक पार्ट को मैंने छोटा सा कट लगाया हुआ है। अभी फ्रंट बैक में इस तरह बीच में मैंने एक लाइन लिया किया है। अभी फ्रंट का जो अभी फाइनल स्टिचिंग करने के टाइम, मतलब ब्लाउज़ का फिटिंग करने के लिए इस तरह हुक का पट्टी को एक के ऊपर एक इस तरह रख के हम लोग पिन को अटैच करेंगे।
फ्रंट और बैक दोनों को भी मैंने अटैच किया हुआ है एक साथ। अभी स्लीव से लेके कमर और चेस्ट पूरा एक सिलाई करके लेंगे, सीधा लाइन आ चाहिए, इस तरह आप सिलाई कीजिएगा। एक्स्ट्रा जो बचेगा वो कपड़ा रहने दीजिएगा, लास्ट में हम लोग कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ है अभी मैंने कटिंग कर रही हूँ। दोनों साइड में भी इस तरह आप सीधा लाइन स्टिचिंग करके लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा आता है वो भी साइड भी कट कीजिएगा। अब देख सकते हैं इस तरह मैंने एक सीधा लाइन का मैंने स्टिचिंग किया हुआ है। अभी फाइनल टच, अभी फ्रंट और बैक के लिए मैंने नीचे के साइड फिनिशिंग टच देने हैं। इसके लिए मैंने 1.5 इंच का कपड़ा एक तरफ फोल्डिंग करके स्टिचिंग किया हुआ है, इस तरह मैंने अटैच कर रही हूँ। ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए भी मैंने पट्टी लगा रही हूँ। इसको और एक तरफ फोल्डिंग करके जो हम लोग सिलाई कर रहे हैं ना वो पट्टी के ऊपर सिलाई आना चाहिए, इस तरह फोल्डिंग करके सिलाई कीजिएगा। इस तरह अंदर की तरफ फोल्डिंग करते हुए इधर सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने फाइनल टच दिया हुआ है। अभी ब्लाउज को कैसे फिटिंग करने का मैं बताने वाली हूँ। इस तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह फिनिशिंग कीजिएगा ब्लाउज का साइड, मतलब स्लीव्स, चेस्ट और कमर की साइड हम लोगों ने सिलाई किया हुआ था उसको इस तरह फोल्डिंग करके आधा इंच या 1/2 इंच को मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह स्टिचिंग कीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह ब्लाउज को रखने का और बैक साइड से हम लोग फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं मैंने सेंटर में एक लाइन लगाई थी, उसके उधर चौथा भाग 28 इंच का चौथा भाग, सॉरी 24 इंच का चौथा भाग वेस्ट है और 28 इंच का चौथा भाग 7 है। इसको इस तरह और स्लीव में 5 इंच को इस तरह मार्किंग लगाते हुए तीनों डॉट्स को मिलाते हुए सीधा लाइन हम लोग स्टिचिंग करेंगे। चाहिए तो आप स्केल की मदद से या मेजरमेंट टेप की मदद से इस तरह लाइन लगाते हुए आप सीधा लाइन स्टिचिंग करना है। देख सकते हैं हम लोग फिटिंग सीधा लाइन पे आया हुआ है, सो इसका मतलब फिटिंग बराबर आ रहा है। ब्लाउज़ का हम लोग कटिंग करने का जो तरीका, जो स्टिचिंग करने का तरीका, दोनों भी सही है। दोनों साइड में भी मैंने इस तरह स्टिचिंग करके फिनिशिंग किया हुआ है फिटिंग का। आप देख सकते हैं इस तरह ब्लाउज तैयार बना है, 4 टक्स ब्लाउज का 28 इंच का ब्लाउज है ये। बैक में इस तरह छोटा सा मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो आपको मिलते ही रहेगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इस तरह का कौन सा साइज का ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।